जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी में। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास, लेकिन उससे पहले हम लेंगे कल की वीडियो में मैंने लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन था कि सिफिलिस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो जिसका डी आंसर सही रहने वाला, जिसका डी आंसर था वो बिल्कुल सही थे, टेपोनेमा पैलिडियम इसका सही आंसर है। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नवीनतम पुस्तक द सेवेंथ लेसन फ्रॉम द एवरेस्ट एक्सपेक्टेशंस लर्निंग फॉर द लाइफ एंड बिजनेस के लेखक कौन है, तो यह वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा, आदित्य गुप्ता इसके लेखक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है, तो इसका सही आंसर रहने वाला बी वाला, बिल्कुल सही आंसर रहने वाला आशिता वी ओलेरेटी, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। वहीं जान लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसके अतिरिक्त चीफ ऑफ द स्टाफ एयर स्टाफ वर्तमान में राकेश कुमार सिंह भदौरिया है, तो इनका नाम भी आपको याद रख लेना है। और वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है हरजीत सिंह अरोड़ा, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और मोटो है नभ स्पर्श दीप्तम, तो ये आपको याद रख लेना है और नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह रहा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वीना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, तो इनका नाम रहेगा जगजीत पवाड़िया, तो इनका नाम भी आपको नोट डाउन कर लेना है। सी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, जगजीत पवाड़िया, तो जो कि प्रथम भारतीय महिला बनी है नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय, वो भी, तो ये आपको याद रख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। वही बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1968 में हुई थी और मुख्यालय है वीना ऑस्ट्रिया, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और ऑस्ट्रिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने के लिए किस भारतीय रेफरी का चुनाव किया गया है, तो सही आंसर रहने वाला है डी वाला आंसर, अशोक कुमार जी का। टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने के लिए यहाँ पर इनका चुनाव हुआ है रेफरी के तौर पर। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने संरक्षण मंत्रियों की नियुक्ति की है, तो सही आंसर रहने वाला ए वाला, असम। और वहीं बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य की जो उसका गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दिसपुर इसकी राजधानी है और हेमंत बिस्व शर्मा इसके मुख्यमंत्री है। और इससे पूर्व इनके जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था सर्वानंद सोनेवाल, तो ये भी आपको याद रख लेना है। लेकिन वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धुलिया, और गुवाहाटी हाईकोर्ट है लोकेटेड इनकी, और 23 जिले यहाँ पर वर्तमान में मौजूद है। और निर्वाचन सीट की संख्या है वो 14 लोकसभा की, राज्यसभा के साथ विधानसभा की 126, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो भी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है वो बीजेपी पार्टी से है। इसके अलावा भी असम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम से हमारी इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें असम के बारे में और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा छठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किसके द्वारा 25 से 31 मई 2021 के बीच गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मनाया जा रहा है, तो किसके द्वारा, तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह सप्ताह मनाया जा रहा है जो कि 25 से 31 मई 2021 के बीच चलेगा। और वहीं बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो UN की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, मुख्यालय है वर्तमान में न्यूयॉर्क, और महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस, तो ये भी आपको याद रख लेना है। सदस्य देशों की संख्या 193, आधिकारिक जो भाषा है वहाँ की UN की तो वो है अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस भारतीय वैज्ञानिक ने हाल ही में इंटरनेशनल
ENI अवार्ड 2020 जीता है। तो सी वाला आंसर सही रहने वाला, CN राव द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 जीता है, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक है। वहीं बात करें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, CNR राव को धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्रव्य आयामी प्रणालियों पर उनके काम के लिए 14 अक्टूबर 2021 को रोम में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आठवां क्वेश्चन। 28 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व बुक दिवस मनाया गया? तो बी वाला आंसर सही रहने वाला है, एक्सेस एंड हंगर, जिसका जो हिंदी अनुवाद होता है पहुंच और भूख, जो होता है इसका हिंदी अनुवाद होता है पहुंच और भूख। तो इसी विषय के साथ यहाँ पर विश्व बुक दिवस 28 मई 2021 को मनाया गया, तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, नवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सीरिया के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला, बक्सर अल असद यहाँ के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं सीरिया के। और वहीं बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो सीरिया की जो राजधानी है उसका नाम है दमस्कस, और हुसैन अर्नस प्रधानमंत्री वर्तमान में संसद का जो नाम है वो है मजलिस अल साब। तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ पर पीपल्स काउंसिल इसे कहते हैं इंग्लिश में, और मुद्रा है पाउंड। तो ये आपको याद रख लेना है सीरिया के बारे में। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, दसवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सम्मान डेग हैम्स होल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डी वाला आंसर सही रहने वाला, उपरोक्त सभी, तो यानी युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मुकचंद यादव को, यहाँ पर मूलचंद यादव को, इन तीनों को यहाँ पर डेग हैम्स होल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और टोटल बात करें तो यहाँ पर पूरी दुनिया में 129 लोगों को इस मेडल से सम्मानित किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया है। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर क्लास यहीं समाप्त होती है, लेकिन लास्ट में हम ये क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहे हैं, आपको सही आंसर देना है कल की वीडियो में, आपका नाम मैं अनाउंस करूँगा जो भी सही आंसर देगा। तो क्वेश्चन है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपको आंसर देना है सही आंसर कमेंट में। और सेकेंड क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।